एक सवाल यार बार बार जो आता है मेरे पास, मतलब मैं भी काफी बार हैरान हो जाता हूं उसको सुनकर, वो सवाल होता है, वो क्वेश्चन होता है कि हमको ऐसी बॉडी बनानी है, ऐसी बॉडी बनानी है कि सामने वाला देख के डर जाए, हमको इतना तगड़ा होना है कि सब डरें हमसे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली पर, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, परिवार है हमारा। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो मैं कहूँगा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि यार एक सवाल बहुत बार बार मेरे पास आता है और इस टाइप के, मतलब मैं समझ रहा हूँ, देखो सब किसी का अलग अलग बॉडी गोल है, कोई बल्क होना चाहता है, कोई चाहता है लीन होना, कोई कटिंग चाहता है, कोई फैट लॉस चाहता है, तो अलग अलग सभी का बॉडी गोल है। एक सवाल यार बार बार जो आता है मेरे पास, मतलब मैं भी काफ़ी बार हैरान हो जाता हूँ उसको सुनकर, वो सवाल होता है, वो क्वेश्चन होता है कि हमको ऐसी बॉडी बनानी है, ऐसी बॉडी बनानी है कि सामने वाला देख के डर जाए, हमको इतना तगड़ा होना है कि सब डरें हमसे। तो ये सुनकर जो है ना, अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो है, एक हमारे फैमिली मेंबर ने फिर से पूछा, कहा कि इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाइएगा। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूं कि यार मतलब ऐसी बॉडी, वो कैसी बॉडी होती है जिससे सामने वाला डर जाए, क्या हमको ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, ऐसा गोल फिक्स करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे सबसे पहले कहूंगा, ठीक है आपका यार बॉडी गोल है कि आप बल्क होना है, पर बल्क होने के पीछे मतलब आप चाह क्या रहे हैं, क्या मतलब आप बल्क इसलिए होना चाह रहे हैं कि सामने वाले को डरा सकें, आप क्यों डराना चाहते हैं आप उसे, मुझे तो ये समझ नहीं आता यार। इस तरीके के गोल प्लीज आप डिसाइड ना करें, क्योंकि इन गोल से आपको नेगेटिव एनर्जी ही आएगी, और किसी सामने वाले को डरा कर क्या हासिल होगा। दोस्तों नफरत के 100 रीजन हो सकते हैं, पर प्यार का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि आप सभी को अपने जैसा समझें, जैसे आप हैं वैसे सभी को समझें। तो यार ऐसी बॉडी मतलब मुझे समझ नहीं आता कि बना के फायदा भी क्या होगा, कि जिससे लोग जो हैं आपसे दूर भागने लगे, डरने का मतलब तो दूर भागने लगे। अब सामने से कोई हाथी आ रहा है, मेरे सामने से आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है भाई उस जंगली हाथी से मैं डरूंगा ही, और डरने का मतलब है कि भाई मैं अपने रास्ते कट लूंगा, अपना रास्ता जो अलग कर दूंगा और उससे दूर हो जाऊंगा। तो ऐसी बॉडी बना के क्या फायदा जिससे लोग जो है आपसे डरें, आपसे दूर भागें, क्या फायदा उस बॉडी का। बॉडी बनाई जाती है सबसे पहले तो, देखो बॉडी दूसरों के लिए नहीं बनाई जाती, पर हाँ बॉडी अगर आप बना रहे हैं, अपना फिजिकल गोल अचीव कर रहे हैं, अगर आप स्किनी बॉडी हैं, बल्क हो गए, तो नेचुरल सी बात है बड़ा मजा आता है जब सामने वाला भी कहे यार तुम तो बड़े पतला हुआ करते थे, अब तो बहुत अच्छे हो गए हो, तगड़े हो गए हो, बाइसेप भी अच्छी हो गई है, बल्क हो गए हो, तो मजा आता है, पता लगे कि यार सामने वाले को तुम मतलब जो है डराने के पर्पज से बना रहे हो, वो सामने वाला तुमसे बात करना ही बंद कर दे, अरे यार ये तो बेकार आदमी है, इसकी बॉडी क्या बनी, इसमें तो ऐंठ अकड़ आ गई, ये तो ऐंठता है अकड़ता है। तो दोस्तों क्या फायदा इस बॉडी का जिससे सामने वाला भी नेगेटिव फील करे, आपको भी नेगेटिव एनर्जी आए। तो ऐसे गोल आप फिक्स ना करें। हाँ अगर आप बल्क बॉडी करना चाहते हैं उसके लिए आते हैं सप्लीमेंटेशन, आप गेनर ले सकते हैं, मसल गेनर ले सकते हैं, आप क्रेडिन ले सकते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट हैं, आप टेस्टो पावर ले सकते हैं, नेचुरल साइज गेनिंग टैबलेट्स, बहुत सारी चीज हैं, पर ये गोल मेरे हिसाब से गलत है यार। ये गोल फिक्स ना करो आप, इस तरीके का कोई गोल फिक्स मत करो कि सामने वाले को डराना है, सामने वाले को मारना है, इस तरीके के यार मतलब बॉडी सबसे पहले खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई जाती है। हेल्थ और वेल्थ ऐसी चीजें होती है जिसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोचेंगे कि सामने वाले के लिए हम बनाए, सामने वाले के मतलब जो तारीफ के लिए, सामने वाले को डराने के लिए, सामने वाले को दबाने के लिए हम हेल्थ और वेल्थ को इंक्रीज करें, तो मेरे हिसाब से वो आप ही के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। ये सच्चाई है। बॉडी खुद के लिए, खुद को सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए बनाई जाती है, खुद को फिट करने के लिए, आप स्वस्थ जीवन जी सकें। और मेरे हिसाब से तो फिटनेस का मतलब ही यही है कि जो काम आप कर रहे हैं आप उसको बिना किसी मतलब ब्रेकर के कर सकें, बिना किसी बाधा के आप उसे परफॉर्म कर सकें। अगर आपको जो है बस पकड़नी है और आपको जो है पैदल वॉक करनी है 2 किलोमीटर, तो उसमें जो है ऐसा नहीं कि आप पैदल वॉक कर रहे हैं सांस फूल गई, आप 2 किलोमीटर पैदल वॉक कर रहे हैं, आपको दौड़ना पड़ रहा है तो आप दौड़ रहे हैं, आपको जो है पूरे दिन जो है वर्क करना पड़ रहा है वर्क कर रहे हैं, यही तो फिटनेस है। और रही बॉडी गोल, तो समझ गया कि किसी किसी का गोल होता है कि यार 14 बाइसेप्स हो जाएं, 16 बाइसेप्स हो जाएं, ठीक है वो हो जाएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो 16-14 बाइसेप्स सब दूसरों को दबाने के लिए कर रहे हैं यार। तो इस तरीके का कोई बॉडी गोल आप फिक्स ना करें। हाँ अगर आपको बल्क बॉडी करनी है उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, पर ऐसे गोल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो यार मैं आपसे बिल्कुल मना ही करूंगा, ऐसे गोल आप फिक्स ना करें।
हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप ये कहें कि भाई अभी मुझे सब चिढ़ाते हैं, मुझसे सब जो कहते हैं तो पतला है स्किनी है, और मैं चाहता हूँ कि सब मेरे को देख के कहें कि यार देखो अब तो तू ठीक हो गया, अच्छा हो गया, ये तो फिर भी ठीक है, इसमें थोड़ा पॉजिटिव फील है। पर दूसरों को डराना दबाना धमकाना ये गलत है। हम सभी जो हैं आपस में यार भाई हैं, हम सभी मतलब बहुत डीप कनेक्शन है हम सबका। अब मैं उसमें जाऊंगा तो आप जो है थोड़ा सा ये कहेंगे कि भाई मतलब जो क्या बातें करने लगे हैं, बहुत डीप कनेक्शन है हम सभी का, चाहे हम मिले हैं कभी नहीं मिले, क्योंकि एक निश्चित समय के लिए हम सब इस धरती पर आए हैं, एक निश्चित समय के लिए। और इस समय में जो भी हमारे साथ है ना वो हमारा साथी है, क्योंकि पता है आपको हमेशा के लिए तो कोई नहीं आया यहाँ, तो ये टॉपिक कुछ अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैं बस आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हम सब साथी हैं, हम सब भाई बंधु ही हैं, एक निश्चित समय के लिए हम सब आए हैं इस धरती पे, भगवान ने हमें भेजा है जीने के लिए, अपने काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। इसमें आप जो है कि भाई उसको डरा दें उसको डरा दें, यार अपने साथी को अपने भाई को अपने भाई बंधु को ही आप डरा रहे हैं, उसको ही दबा रहे हैं, उसको क्या फ़ायदा, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, सामने वाला आपसे कट रहा है, बातें नहीं कर रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके का कोई बॉडी गोल आप डिसाइड ही ना करें, वरना मैं आज तक किसी से कहीं कुछ नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे आते हैं, मैं यार देखता हूँ कि वो अच्छे खासे उनकी बॉडी है, बल्कि वो फिर भी जो है बल गेनर ले लेते हैं, कहते हैं मुझे वो जो है बल गेनर ही चाहिए, मुझको और वजन करना है, ऑलरेडी उनका जो है 80-80 किलो वजन होता है, पर नहीं उनको 100 करना है। मैं कभी भी उनके बॉडी गोल के बीच में नहीं आता, मैं उनको वही कहता हूँ कि यार जो आपका बॉडी गोल है आप उसके हिसाब से अचीव करो। पर आज मैं स्पेशली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है पिछले कुछ समय से कुछ ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास, कि हमको जो है इस तरीके की बॉडी करना है कि सामने वाले जो है देख के डर जाएं, दब जाएं, सामने वाला जो है ये वो, ऐसा ना करें। आप अपने लिए बॉडी बनाएं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बॉडी बनाएं, और बॉडी ऐसी बनाएं कि यार ठीक है आपको जो भी बल्क होना है कि सामने वाला आपको देखकर कहे हाँ भाई देख अब तेरी बॉडी अच्छी बन गई, अब तो अच्छा लग रहा है। तो ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है इसीलिए कि आप इस तरीके का कोई गोल डिसाइड ना करें और सभी को अपने जैसा समझें। और बल्क होने की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्क हो जाएंगे, एक क्रिएटिन ऐड कर लो, एक बल्क गेनर ऐड कर लो, एक अपना जो है टेस्टो पावर ऐड कर लो, बल्क हो जाओगे, डाइट अच्छी लो बल्क हो जाओगे, ये वीडियो देख लो सुबह से शाम तक क्या खाना है बल्क हो जाओगे, वजन बढ़ जाएगा, मसल साइज आ जाएगी। पर इस तरीके का बॉडी गोल के लिए मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा कि ऐसी मतलब जो है मैं कहूंगा कि गलत जो सोच है, गलत जो विचार है आपका, उसी को दिमाग से निकाल दो यार, क्योंकि परिवार है आप सब मेरा, तो इसलिए परिवार की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। समझें इस चीज़ को और जुड़े सप्लीमेंट्स विला परिवार से। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो चलेगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बल्क होना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करूंगा, पर इस गोल के लिए नहीं यार, ये गोल गलत है, इस गोल के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। तो वीडियो चलेगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी सप्लीमेंट कुछ भी आपको एडवाइस चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। आज के वीडियो में किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।